गर्मी बहुत है, पंखा भी बंद है, क्योंकि आवाज साफ आए इसलिए, सिर्फ आपके लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई एम सॉरी, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज का वीडियो कुछ मैंने मंगाया है, उसका रिव्यू करना हो, तो उसके लिए आज छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो ये डंबल रोड बार मंगाया है मैंने 350 का। अभी इसका रिव्यू करता हूँ, खोल के देखता हूँ कैसा है, दिखाता हूँ आप लोग को। वैसे मेरे पास कोई फ़ोन पकड़ने वाला कोई बंदा है नहीं। तो मैं खुद ही एक जगह सेट कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो अभी इसको खोलते हैं और देखता हूँ अंदर की चीज़ें कैसी हैं, और फिर आपको बाय करना है या नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसको खोलते हैं। भारी है काफ़ी वैसे, कुछ अंदर लिखा था 0.5 किलोग्राम्स का है। गर्मी बहुत है, पंखा भी बंद है, क्योंकि आवाज़ साफ आए इसलिए, सिर्फ आपके लिए। ओके, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, ये पहला नंबर। और अभी इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, दिखा दो एक मिनट। ये फर्स्ट तो आपने खोल लिया है, दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ। पसीना टपक रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा हुआ, कोई बात नहीं, चल रहा है। सो दाढ़ी है और ये चारों जो है नट्स आयरन के, ये भी आयरन का है। ओके, ये प्लास्टिक का है, ठीक है। ये 12 का होगा, ठीक है, क्यों एक बाकी सब ठीक है। ओके, बट 14 इंचेस आई थिंक नहीं होगा, आप खुद देख लो, हो सकता है नहीं हो सकता यार, लिखा है अंदर 14 इंचेस। इससे तो 14 इंच पहले मैंने जो डंबल्स मंगाए थे, जो सेट आया था, उससे छोटा है ये। ओके, छोटा है पर अभी सही है, वेट वेट अच्छा है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अच्छी है, बट यही चीज़ जो नहीं थी वो मैंने आपके बता दिया। ओके, जो लोग भी चाहते हैं कि घर पे जिम स्टार्ट करें और जिम ना नहीं जा सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ये सब चीज़ें मंगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई है, और मैंने ना ही कोई सप्लीमेंट यूज़ किया है, जो भी है रियल करना चाहता हूँ मैं, नेचुरल बॉडी। तो उसके वजह से अभी मैं घर पे ही, मैंने आई थिंक 2 महीने जैसा जिम किया है, बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखा, क्योंकि उस टाइम के मुझे इतनी समझ नहीं थी। मुझे लगता था कि खाली जिम कर लो बॉडी बन जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है, साथ में ऐसा खाना भी पड़ता है। तो इसके वजह से मैंने फिर सब अपने हिसाब से स्टार्ट किया, यूट्यूब पे देखा, बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसे सीखी है यूट्यूब से, और यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो उसके वजह से आज ये सब चीज़ें मेरे पास है, तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, उसका भी रिव्यू आज ही कर देते हैं। कचरा अपने थोड़ा साइड में हटा देते हैं। मैंने ये ना पूरा सेट मंगाया था, ये एक रोड आई थी
और एक दूसरी ये रोड आई थी, ओके, और ये दो डंबल्स आए थे। ये जो डंबल्स आप देख रहे हो ये आयरन के नहीं है, ओके, और इतने बोले तो नहीं है, खास इतने नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैंने क्यों नया चीज़ मंगाया, ये एक मिनट, ये खुद खुद कैमरा पकड़ना, खुद ही बताना बहुत भारी पड़ जाता है यार। साला ये दुख का खत्म होता बे। तो मेरे पास ऑलरेडी ये डंबल बार पड़े थे, ठीक है, डंबल रोड, बट मैंने न्यू क्यों मंगाया उसका एक रीज़न है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो डंबल है, ठीक है, इसमें ये आटे घिसा थे मेरे, ठीक है, देखिए, ओके, तो ये है जो प्लास्टिक है पूरा, तो उसकी वजह से अगर आप ज़्यादा वेट लेते हो डंबल में तो उसकी वजह से इतना एफोर्ड नहीं कर पाएगा और लाइक आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एकदम से अगर निकल जाएगा, ढीला हो जाएगा तो डंबल वंबल गिरेगा, खाली खोटी आपको नुकसान होगा, इससे अच्छा न्यू मंगा लेना चाहिए। इसलिए मैंने ये बार सोच लिया था कि भले थोड़े पैसे ज़्यादा बट आयरन के मंगा लेता हूँ, क्योंकि इसमें एक तो फ़ायदा क्या होता है कि जल्दी घिसाने का प्रॉब्लम नहीं है, और सेकंड थिंग कि आयरन का है तो अच्छा खासा तगड़ा होगा, और उसके वजह से मैंने सोचा आयरन का ही मंगाता हूँ। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है, और अगर आपको ये चीज़ें मंगानी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके मंगा सकते हो, ओके। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय गाइस, लव यू।